जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी क्लास में देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। इससे पहले के वीडियो में हमने अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि और प्रतिबिंब की प्रकृति, इन सब के बारे में अध्ययन किया। अब हम कि अवतल दर्पण का कहां कहां उपयोग करते हैं, क्या क्या कार्य करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो पहला उपयोग जो हम लोगों के दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो सैलून की दुकान जहां बोलते हैं, जहां आप अपने बाल दाढ़ी इन सबको कटवाने जाते हो, तो उन दुकानों को बोल देते हैं हम लोग हजामती दुकान। और वहां पर हजामती दर्पण के रूप में आपके चेहरे को दिखाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। क्योंकि हमने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति में एक स्थिति को इस रूप में देखा कि जब हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को अवस्थित कर देते हैं, तो अवतल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब अपने पीछे आवर्धित अन्य वस्तु की अपेक्षा बड़ा और काल्पनिक रूप में बनाता है, जिसकी वजह से जब हम अवतल दर्पण के सामने होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना रहता है, लेकिन हमारे चेहरे की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने चेहरे पर किए गए हजाम नाई के द्वारा किए गए कार्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारा दाढ़ी तो कहीं छूट नहीं गया है समथिंग। तो सब यानी पहले उपयोग में हम लोग अवतल दर्पण को किसके रूप में, हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि इसका चित्रात्मक विवरण करें यानी ग्राफ के रूप में दिखाएं, तो हम इस स्थिति को पढ़े हैं, क्या हमने एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण के ध्रुव को सूचित किया, फोकस को सूचित किया, वक्रता केंद्र को सूचित किया। अब यदि हमें अपने चेहरे को बड़ा और आवर्धित देखना है तो हमें अपने बैठने वाली कुर्सी को कहां रखना होगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो मान लीजिए ये एरो चिन्ह हम लोग, अब इस चेहरे का या वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा बनाएगा अवतल दर्पण वो किस रूप में, तो इससे एक प्रकाश की किरण दर्पण पर समांतर रूप से आपतित होगी, जो कहां से, दर्पण के फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण कहां से लेंगे प्रतिबिंब निर्माण के लिए, वक्रता केंद्र। आ गई
कि वस्तु पर से जहां से वक्रता केंद्र से नहीं, वक्रता केंद्र से बाद में होकर गुजरेगी दूसरी किरण दर्पण के सतह पर लंबवत रूप से आपतित हुई। अब ये लंबवत किरण परावर्तन के बाद जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट जाएगी, और लंबवत किरण यदि किसी गोलीय दर्पण पर लंबवत किरण परावर्तक सतह पर आपतित हो तो वो परावर्तन के बाद उसके केंद्र से ही होकर गुजरेगी, क्योंकि किसी वृत्त की लंबवत रेखा उसके केंद्र से ही होकर गुजरती है। अब जब हम इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि वस्तु का काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब यानी वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बन गया। इस तरह से हमारा हमारे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है और हमारे चेहरे पर जो नाई के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है कि वो हमारे बाल दाढ़ी को अच्छे से बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये प्रतिबिंब और ये वस्तु, इस तरीके से ये अवतल दर्पण और यदि हजामत की दुकान पर लग जाए तो ये अवतल दर्पण क्या कहलाएगा, हजामती दर्पण। हजामती दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए और कैसे करते हैं हम इन स्थिति को चित्रात्मक रूप में भी देखें। यदि हमको अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो उस बड़े प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम एक बड़ी वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण ले लेते हैं, उसके फोकस और उसके फोकस तथा ध्रुव के बीच हम खुद अवस्थित हो जाते हैं यदि हमको अपना चेहरा देखना होता है, और उसका हमारे चेहरे का आवर्धित यानी हमारे चेहरे की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब निर्मित हो जाता है जिससे हमें अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और शायद ये मानवीय जीवन में ही ये घटना होती होगी, मुझे एक घटना याद आती है कि शायद दर्पण का इस संसार में प्रचलन कैसे हुआ होगा या इस दर्पण को निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई होगी। तो हम लोग यदि वैदिक इतिहास में जाएं तो वैदिक इतिहास के अपने कथाओं दंत कथाओं में सुनते हैं कि एक बार जब माता लक्ष्मी का विवाह होने वाला था, माता लक्ष्मी का स्वयंवर होने का था, समूचे गांव में ढोला दे दिया गया कि जो इस ब्रह्मांड में या इस तीनों लोक में जो सबसे अति सुंदर होगा तो माता लक्ष्मी उनसे विवाह करेंगे। तो ब्रह्मदेव के पुत्र नारद मुनि, उनके बारे में आप जानते ही होंगे, तो वो सोचने लगे कि ना कि मैं तो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूं, हमेशा भजता रहता हूं और भगवान विष्णु मेरे आराध्य हैं, तो मैं उनसे ही जाकर के एक वरदान मांग लूं कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं। नारद जी भगवान विष्णु के लोक पहुंच गए और बोले कि ना भगवान से अनुरोध किए कि भगवान हम आपसे एक विनती करने आए। तो भगवान विष्णु बोले क्या, तो बोले भगवान हमारे चेहरे का स्वरूप इस ब्रह्मांड में जितने भी मानव देवता असुर हैं उन सब के चेहरे से भिन्न कर दिया जाए। तो उनके बोलने में त्रुटि हुई कि भिन्न कर दिया जाए यानी सबसे अलग कर दिया जाए। तो भगवान ने उन्हें क्या किया, बंदर के रूप में उनके चेहरे को स्थापित कर दिया, बंदर के रूप में उनके चेहरे को बदल दिया।
अब उस समय तो दर्पण चल नहीं रहा था, जो अपने अपने चेहरे को दर्पण में देख लेते। आजकल तो घर से निकलते हैं 13 बार ऐसे बाल झाड़ते हैं, मुंह देखते हैं कि ना मेरा मुंह अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, समथिंग। तो नारद जी के पास तो दर्पण था नहीं, वो चल दिए। जिस दिन स्वयंवर का दिन आया, वहां देखेंगे सभी लोग खड़े थे, सभी लोग सभाएं लग चुकी थी, सभी लोग बैठे थे सभा में, और नारद जी क्या कर रहे थे, इधर से उठ के उधर, उधर से उठ के उधर। माता लक्ष्मी और नारद जी को देख करके सब लोग परेशान, सभी देवता लोग परेशान, सभी गंधर्व लोग परेशान कि वानर कहाँ आ गया। तो माता लक्ष्मी स्वयंवर में आई, और ये तो विधि का विधान था, निहित था कि माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से होगा, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का पानी ग्रहण करेंगी। तो अब नारद जी जिधर जिधर माता लक्ष्मी जाती, नारद जी उधर उधर जाता, तो भारी समस्या। क्या आखिर फिर भी नारद मन ही मन सोचता कि आखिर भगवान ने मेरा कैसा स्वरूप बनाया जो हमको माता लक्ष्मी वरण नहीं कर रही है, हमें वरमाला नहीं पहना रही है। तो जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी, तो फिर विवाह संपन्न हुआ, सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। नारद जी भी जब लौटते हुए गुस्साए लौटते हुए अपने घर को आ रहे थे, तो रास्ते में एक ऋषि से मिले, तो उस ऋषि ने बताया कि आपका चेहरा तो ना बंदर की तरह दिख रहा है। कहते वो कैसे, क्योंकि नहीं देखना है तो जाओ नदी में अपना चेहरा देखना। तो पहली बार शायद समतल दर्पण का आभास हुआ होगा कि हाँ, जब उन्होंने अपने चेहरे को देखा तो उनका चेहरा बंदर की तरह दिखा। फिर वो लौट के भगवान विष्णु के पास गए, तो शायद हमको लगता है कि ना, मैं ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूं कि आज हम लोग भी बंदर की तरह कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में, इस संसार में। जिस चेहरे को, जिस शरीर को आप चमकाने की कोशिश कर रहे हैं या बेहतर बनाने की कोशिश रोज करते रहते हैं, उसका कोई वजूद नहीं है। ये समाप्त होगा, इस पर झुर्रियां आएंगी, लेकिन आपके मानसिकता में झुर्रियां नहीं आएंगी। आप बचपन से लेकर के बुढ़ापे की अवस्था तक, जब तक आप समाप्त नहीं होते हैं, आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं कैसी हैं, न्यूरॉन्स, इनमें कोशिका विभाजन नहीं हुआ करता है, और जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं वो बूढ़ी भी नहीं हुआ करती। इसलिए आप जितना अपने चेहरे बाह्य भौतिक वातावरण से अट्रैक्ट होते हो, उतना अपने मस्तिष्क के अंदर मौजूद ज्ञान की क्षमता की ओर एट्रैक्ट हो जाओ, आपका बेकार चेहरा भी दुनिया के लिए सुंदर हो जाएगा। जो मैं ये आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, ये हमारे आधुनिक समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े शिक्षक और शायद मेरे जीवन का बहुत बड़ा आदर्श है, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा जाता है, जो गरीबी के उस स्थिति का अवलोकन किया, यहाँ पर हम लोग नहीं हैं, उनकी स्थिति से हम लोग अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ने के लिए पैसे नहीं, जीविकोपार्जन के लिए पेपर बेचना, अन्य अन्य बहुत सारे काम, और यदि आप उनके वैज्ञानिक बनने तक की स्थिति को देखोगे, तो जब इंडिया अपने देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था, तो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग नहीं पहचानते थे, उस समय हम लोग विक्रम साराभाई जो हमारे पहले के वैज्ञानिक थे स्पेस रिसर्च के, उनके साथ साइकिल पे रॉकेट के पार्ट्स को ढो करके एक चर्च के बाहर खेतों में
प्रयोग किया गया और उन उस प्रयोग को भी सफल किया गया। तो आज हमें हमारे देश को हम युवाओं के शक्ति की जरूरत है। ये गणित, ये विज्ञान जो अंकिक मान प्राप्त करने के लिए आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, क्या इससे एक जो जॉब प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, वो जॉब तो बहुत आसान होगा जब आप इसको एक्चुअल रूप में प्राप्त कर लो। जॉब तो चाहिए ही नहीं, जिसके पास नॉलेज हो जाए उसे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नौकरी आवश्यक है क्योंकि हम देश की सेवा करेंगे, इस वजह से नौकरी करेंगे और इस ज्ञान की वास्तविकता के साथ नौकरी करेंगे कि यदि हम शिक्षक बन जाए तो बेहतर पढ़ाएं, यदि हम इंजीनियर बन जाए तो बेहतर कंस्ट्रक्शन कर पाए, यदि हम डॉक्टर बन जाए तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवा पाए, अलग अलग जो भी सर्विस के लिए हम तैयारी कर रहे हो और उस स्थान पर जब हम प्रतिस्थापित हों, पदस्थापित हों, तो उसे अपने देश के कार्य को समझ करके, अपने कर्तव्य को समझ करके कार्य करें और उस कार्य को अच्छे रूप से करने के लिए हमें इन ज्ञान को एकीकृत करने की आवश्यकता है, ज्ञान को एकाकार करने की आवश्यकता है। फिर ये ज्ञान है, इससे बड़ा नौकरी नहीं है, इसमें नौकरी छिपा है, नौकरी में ये नहीं छिपा है। ये जो आप पढ़ रहे हो दुनिया में, किसी किताब पर लिखा नहीं है कि ये प्रश्न आपको सर्विस दिलाए। हाँ, सर्विस इन प्रश्नों में है कि यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हो तो नौकरी प्राप्त हो जाएगी। नौकरी इस ज्ञान की परिभाषा में मौजूद नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी हो जाते हैं वो नौकर बनना पसंद ही नहीं करते हैं। जय हिंद।